hazard. A hazard is a condition. A hazard is a condition where a single variable change, where a single variable change produces momentary output. Single variable change produces a momentary output change when no output change should occur. When no output change should occur. ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कोई आउटपुट मिल रहा है आपको, ठीक है, जैसे ये वन है, इसको हमेशा क्या होना चाहिए, बनी रहे कि जब तक उसको दूसरा इनपुट ना मिले. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मोमेंटम ये हो जा रहा है जीरो, ये वन है, ये जीरो, ये वन. ठीक है, ये एरर हो रहा है, ग्लिच हो रहा है. ठीक है, इसको कहते हैं हम ग्लिच. ये सुना होगा सॉफ्टवेयर में ग्लिच हो रहा है वहां पर, या इसको कहते हैं हम फ्री स्पाइक्स भी कहते हैं. जैसे जीरो है, ठीक है, ये जीरो है, कुछ डिस्टर्बेंस के कारण, कुछ डिले के कारण क्या हो रहा है कि अचानक से क्या हो गया, यहाँ पर वन हो गया, एंड देन इट इज रिमेन जीरो. इस टाइप की सिचुएशन को कहते हैं हम हजार्ड, जो कि नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर आपका आउटपुट वन है तो इट शुड बी रिमेन टू वन, अंडर अनलेस कोई और इनपुट उसको वहां आपने नहीं दिया हो. लेकिन कुछ ग्लिचेस के कारण, ठीक है, कुछ अनअवेलेबल सिचुएशन के कारण या अनइवन डिलेज के कारण, ठीक है, डिले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ प्ले रोल करता है. ठीक है, रोल प्ले करता है कि उसके कारण अनवांटेड जो डिले बताया मैं आपको, उसके कारण इस टाइप के आउटपुट्स. और जो हजार है वो कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट दोनों में वहां पर मिलेगा. ठीक है, तो हजार इज प्रेजेंट इन बोथ सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट. कॉम्बिनेशन में दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक. स्टैटिक एंड डायनामिक हजार्ड्स. ठीक है, स्टैटिक में दो तरीके यूज होते हैं. Static 1 hazard and static 0 hazard. ये स्टैटिक 1000 है, मतलब आपका आउटपुट 1 है. ठीक है, और क्या हो रहा है वहां पर, जो ये इसी ग्लिच के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर 0 हो रहा है मोमेंटरी, बहुत कम समय. ठीक है, बहुत कम समय के लिए हो रहा है. स्टैटिक 0 हजार क्या होगा, 0 रहेगा फिर अचानक से बंद हो जाएगा, एक स्पाइक आएगा. ठीक है, ये 0 रहेगा और यहाँ पर ये आधार रहेगा.
इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको? A dot A bar, ठीक है? X is equal to A dot A bar, ठीक है? और आइडियली क्या होता है? A dot A bar zero होगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर मैं one ले रहा हूँ, ठीक है? ये कितना होना चाहिए? Zero, ठीक है? One का complement zero, one dot zero is zero. अगर zero होगा तो उसका complement one होगा और वो आपको मिल जाएगा वहां पर. अब मान लीजिए इसका डिले ज्यादा हो गया, ठीक है? ये दोनों एक एक सेकेंड एक एक नैनो सेकेंड में काम कर रहे थे, ये दो नैनो सेकेंड में काम कर रहा है, ठीक है? तो अब जैसे ही मैं यहाँ वन किया तो इसको क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. जीरो नहीं हुआ, ये वन ही रहा. वन डॉट वन वन, पहले क्या मिलेगा आपको? जीरो, आगे हो जाएगा वन. ड्यू टू डिले इन इन्वर्टर, या जो इन्वर्जन कर रहा है या कन्वर्ट, जो यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है नॉट गेट, किसी भी गेट के कारण वहां पर कोई डिले आ रहा है, अनवांटेड डिले आ रहा है, ठीक है? तो सारे जो सर्किट है इट शुड वर्क एट सेम डिले, एक ही डिले पे वो काम करना चाहिए. अगर वो डिले नहीं कर रहे हैं क्योंकि नैनो सेकेंड की बात हो रही है, मैं जब भी बात करता हूँ हमेशा वन नैनो सेकेंड की बात करता हूँ. And what is nanosecond? 10 to the power minus 9. मतलब बहुत fraction of second से भी कम है. 10 to the power minus 9 seconds. उसमें ये जो पल्स देते हैं उसमें काम करता है. इतना fast है और उसमें भी delay हो जाता है. और delay के कारण output आपका पूरा change हो जाता है. जरूरी नहीं कि not gate का ही हो, ये AND gate तक हो सकता है, किसी भी gate पर हो सकता है. शायद वो जो आपने डिले रखा है, डिले जो प्रोवाइड करवा रहे हो, जैसे कोई लैच है या कुछ, वो उसमें भी डिले आ जा रहा है, ठीक है? जो बताया था जीरो से वन हो रहा है, वन से जीरो हो जा रहा है अचानक से, वो इस कारण होता है, ठीक है? तो नॉट गेट बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है? तो आइडियली आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए? जीरो. लेकिन डिले इन दिस नॉट गेट, देयर विल बी अ glitch in the output. Ideally क्या होना चाहिए? इसको zero होना चाहिए. ये हमेशा zero ही output देगा, ठीक है ना? A dot A bar हमेशा आपको output zero देगा. कि अगर एक one होगा तो दूसरा zero होगा, अगर दूसरा one होगा तो ये one, ये zero हो जाएगा. हमेशा आपको one ही zero ही मिलना चाहिए. लेकिन due to glitch, अभी यहाँ पर ये हो जाएगा one. किस step का hazard है ये? स्टैटिक जीरो हजार है, ठीक है? इट इज आल्सो नोन एज ग्लिच. ग्लिचेस, ठीक है? और फ्री स्पाइक. ग्लिचेस एंड फ्री स्पाइक, ये देखिए, ये फ्री में आपको स्पाइक मिल रहा है, जब मस्ती में स्पाइक मिल रहा है, ठीक है? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्लिच हजार एंड free spike. So which is undesirable? Spike, S-P-I-K-E-S. इसको spike बोलते हैं ना, spikes, ठीक है? So which is highly undesirable? ये नहीं होना चाहिए सिस्टम में कभी. क्यों? क्योंकि आपको जीरो देना आउटपुट. वैसे ही अगर जैसे हम ऐसे करें, ए है ए बार है, क्या बोलेगा? ए प्लस ए बार, ठीक है? इसका आउटपुट हमेशा क्या होता है? वन ही रहेगा. लेकिन ग्लिच के कारण क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा, ठीक है? जैसे वन वन होना था तो वो जीरो हो जाएगा, इस तरीके से ही हो सकता है, ठीक है? तो ये इसमें आपको मिलेगा स्पाइक स्टैटिक जीरो स्टैटिक वन, ठीक है? वन था ये हो जाएगा. So this is the example of static zero and static one hazard. Static मतलब एक ही जगह वो रुका हुआ है, zero से one होना, one से zero होगा, ठीक है? So ये combination circuit में
मुश्किल होता है, ऐसा सिचुएशन में फॉर्मुलेशन में ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा डायनेमिक है। डायनेमिक में आपको आउटपुट कुछ ऐसा मिलता है, आपको दो तीन साइकिल और मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ के एक ही बार होकर रुक जा रहा है, एक बार ये जीरो हुआ फिर वन हुआ फिर ये स्टडी हो गया वन में, ये जीरो से वन हुआ कुछ मोमेंटरली बहुत कम समय के लिए। ठीक है, वैसे नैनो सेकंड में और कम समय के लिए, उसके बाद फिर से जीरो रिटेन कर लेगा, लेकिन डायनेमिक में ऐसा नहीं है। डायनेमिक में दो तीन साइकिल को और लेगा। ठीक है, तो जहां पर एक से ज्यादा साइकिल हो रहा है इस हजार का, इस ग्लिच का, तो इट विल बी टर्म एज डायनेमिक हजार। डायनेमिक हजार्ड कॉजेज दी आउटपुट टू चेंज, कॉजेज द आउटपुट टू चेंज थ्री और मोर टाइम्स, थ्री और मोर टाइम्स व्हेन इट शुड चेंज फ्रॉम वन टू जीरो, one when it should change from 1 to 0 or from 0 to 1 or from 0 to 1. In static 1000, in static 1000, the output may momentarily go to zero, when it should remain. लेकिन वो मोमेंटरी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली लिख दीजिए स्टैटिक 0000 के लिए, द आउटपुट में गो टू वन व्हेन इट शुड रिमेन जीरो। Next type of hazard is essential hazard, which is generally occurred in asynchronous sequential circuit. तो जो static hazard और dynamic hazard है वो combination circuit में ज्यादा मिलता है, ऐसा नहीं है कि वो सिक्वेंशियल में नहीं मिल सकता, हाँ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली कॉमन है। और सिक्वेंशियल सर्किट में जो हजार्ड होता है, सिक्वेंशियल में दो अपने सिक्वेंशियल और जो होता है
उसमें ये आपको मिलेगा एसेंशियल। And as essential hazard is caused by unequal delays. Unequal delays. The main कारण है essential का वो है unequal delays. Along two or more paths. Along two or more paths that originated from the same input. That originated from the same input. An excessive delay to inverter circuit, an excessive delay to an inverter circuit, in comparison to the delay associated with an excessive delay to an inverter circuit, in comparison to delay, in comparison the delay associated with the feedback path, associated with the feedback path, may cause such an hazard. Associated with feedback path may cause such a hazard. In comparison to the delay, an excessive delay to an inverter circuit. Inverter circuit का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? एक not gate की बात कर रहे हैं, ठीक है? Inverter का मतलब क्या? Inverter का है वो 1.0.0.7. Inverter कहीं भी लिखा हुआ है, उसका ये मतलब है कि हम not gate की बात कर रहे हैं। वही जब भी इस excessive delay जो है, वो not gate provide कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? Excessive delay to an inverter circuit in comparison to the delay associated. In comparison to the delay associated with the feedback path, may cause such a hazard. ठीक है, एक फीडबैक पाथ भी रहता है, उससे ज्यादा हुआ डिले, ठीक है ना? देखो क्या होता है कि हमेशा जो ये आपका प्रेजेंट स्टेट, सॉरी नेक्स्ट स्टेट और प्रेजेंट स्टेट और ये डिले, ठीक है? तो हम एक डिले वहां प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? मान लीजिए यहां पर हम एक डिले प्रोवाइड कर रहे हैं डेल्टा टी टाइम पीरियड, और इसी में ये प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले क्या होता है? वो टाइम जो इनपुट से आउटपुट को लगता है आने में, वो टाइम होता है आपका प्रोपोगेशन डिले, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप 5 नैनो सेकंड का है ये, आपने यहाँ पे सेट कर दिया है प्रोपोगेशन, जैसे ही आप यहाँ इनपुट दोगे 5 नैनो सेकंड बाद आपका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है? और इस बीच में क्या हो रहा है, जो आपका जो इन्वर्टर है वो 6 नैनो सेकंड मिल रहा है, लेना कितना था उसको 5, वो 6 दे देगा, ज्यादा ले लेगा, तो जो आउटपुट आना था वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा। सबका जो काम है वो सेम यहाँ पर टाइम पे होना चाहिए हमेशा, डेल्टा टी सेकंड के अंदर जो प्रोपोगेशन डिले है, सारे जो गेट है इस 5 नैनो सेकंड के अंदर में काम होता है, ठीक है? ये जो डिले प्रोवाइड होता है सिस्टम में, इसी कारण यहाँ पर ग्लिच प्रोवाइड होता है, ठीक है? फिर आगे लिखिए, द एसेंशियल हजार्ड कैन नॉट बी करेक्टेड cannot be corrected by adding
redundant, R-E-D-U-N-T, redundant. Redundant. Gates. Essential hazard cannot be connected by adding redundant gates as in static hazard. ठीक है, ये कैसे काम करता है मैं बताऊंगा आपको स्टैटिक हजार्ड में, उससे नहीं होता है ये. ठीक है, इसको आप कैसे कम कर सकते हो? इट कैन बी करेक्टेड बाय एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ द डिले इन अफेक्टेड पाथ. ठीक है, तो जिस पाथ में वहां पर डिले हो रहा है उसको आप ठीक कीजिए. ठीक है, लास्ट एंट्री, टू अवॉइड एसेंशियल हजार्ड ईच फीडबैक लूप मस्ट बी हैंडल टू अवॉइड एसेंशियल हजार्ड ईच फीडबैक लूप मस्ट बी हैंडल विथ इंडिविजुअल केयर. फीडबैक लूप मस्ट बी हैंडल विथ इंडिविजुअल केयर टू एंश्योर दैट द डिले इन द फीडबैक पाथ इज लॉन्ग इनफ compared to the delays of other signals that originated from input signals. डिडक्ट कैसे करेंगे कि हजार्ड है सिस्टम? ठीक है, डिडक्शन ऑफ हजार्ड. एक सर्किट अपन एग्जांपल लेते हैं, इसमें हजार्ड है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि आपको हजार्ड फ्री सर्किट बनाना है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हजार्ड फ्री सर्किट, टू डिजाइन हजार्ड फ्री सर्किट. ठीक है, तो आपको ऐसा सर्किट बनाना है, इसमें ऐसे इम्प्रोवाइजेशन करना है कि इसमें हजार्ड ना हो. ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको? तो पहले हमको डिटेक्ट करना पड़ेगा कहाँ हजार हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है. ठीक है, सबसे पहले बताइए इसका आउटपुट कितना होगा, वाई इन टर्म्स ऑफ x1 x2 एंड x3.
देखिए ये एंड गेट है x1 x2, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर x1 x2 x1 x प्लस, और गेट है तो प्लस होगा यहाँ पर आ रहा है, ये x2 बार हो जाएगा और ये x2 x2 बार x3 ये हो गया, ठीक है। पहला केस लेट x1 equal to x2 equal to x3 equal to y, मान लीजिए सबको मिले वन कर दिए तो आउटपुट कितना होगा, देखिए ये वन है, ये वन है, वन डॉट वन इज वन, ठीक है, एंड गेट है, यहाँ वन मिलेगा आपको, यहाँ पर ये वन है, नॉट गेट है, ये हो जाएगा जीरो, एंड गेट का एक इनपुट जीरो हुआ तो आउटपुट आपको जीरो मिलेगा, और जीरो प्लस वन ये वन, ओके, तो आउटपुट आपको क्या मिल गया, वन, ठीक है। अब इसको हम जीरो करते हैं, x2 को मैंने जीरो कर दिया, आप बताओ तब भी वन ही आएगा, देखो x2 को मैंने जीरो कर दिया तो ये वन हो गया, अब ये हो जाएगा जीरो, ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो, और यहां पर ये जीरो है, ये वन हो जाएगा, ठीक है, और वन डॉट वन इज वन, आपको वन मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन हाँ, अब यहां पर एक इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है, इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक, अब यहां पर ये जीरो है, ठीक है, इसको क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, लेकिन ये अभी भी जीरो ही रहा, ठीक है, आइडियली क्या होना चाहिए, इसको वन होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू सम डिले, सो डिले बाकी सर्किट से ज्यादा, ठीक है, जैसे ये एक सेकंड है, एक नैनो सेकंड है, ये एक नैनो सेकंड है, इसका पांच नैनो सेकंड, ठीक है, ये एक सेकंड का सब हो गया, लेकिन अभी भी पांच सेकंड वही रहा है, ठीक है, तो अभी क्या रहेगा, जीरो, एक इनपुट हो गया जीरो तो आउटपुट जीरो हो जाएगा, यहाँ पर एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट जीरो, जीरो प्लस जीरो आउटपुट विल बिकम जीरो, ठीक है, तो ये हो रहा है आपके आउटपुट में, ये ग्लिच आ रहा है, आइडियली क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, लेकिन ये मोमेंटरी हो रहा है, ठीक है, आउटपुट इसका क्या होना चाहिए, स्टैटिक वन हो जाएगा, ये है वन और ये मोमेंटरी क्या हो रहा है, जीरो, जैसे ही वहां पर उसका टाइम टेबल खत्म होगा नॉट गेट का, वो क्या करेगा, जीरो से वन हो जाएगा और आउटपुट आपको फिर से क्या दे देगा, वन दे देगा, लेकिन मोमेंटरी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको हजार मिलेगा, इसलिए सर्किट विद हजार, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जैसे ये वन से जीरो हुआ, और ये तो कैसे इसको हजार फ्री बनाते हैं, ठीक है, द आउटपुट में मोमेंटली गो टू जीरो, आउटपुट में मोमेंटली गो टू जीरो इफ द प्रोपोगेशन डिले थ्रू द इन्वर्टर, इफ द प्रोपोगेशन डिले थ्रू द इन्वर्टर
is taken into consideration through inverter is taken into consideration is taken into consideration the delay in inverter may cause the delay in inverter may cause the output of gate 1 the output of gate 1 to change to 0 to change to 0 gate 1 a gate 1 or gate 2 gate 1 to change to 0 before the output of gate 2 changes to 1 before the output of gate 2 changes to 1 तो एक और एग्जांपल देखते देखते नैंड गेट के अंदर सारे इनपुट मैंने बन दिए आउटपुट क्या मिलेगा मुझे देखो ये वन है ये वन है 1.1 वन होता है उसका आउटपुट जीरो होगा ठीक है ये हो गया जीरो ये हो गया वन 0.1 0 इसका कन्वर्जन 1 0.1 इज 0 इसका कन्वर्ट करोगे आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा ठीक है अगर इसको 0 कर दिया ठीक है 1 इज ये हो गया 0 और इसको क्या होना चाहिए 0 से 1 होना चाहिए ठीक है 1.1 1 और इसका कन्वर्जन हो जाएगा 0 ठीक है 1 टाइम्स टू 0 0.0 0 इसका इन्वर्जन कितना आएगा ऊपर हां ये 0 है 0 ये 1 हो जाएगा ठीक है और 1.0 आपको फिर से वैल्यू मिलेगा कोई इशू नहीं ठीक है ये हो जाएगा 1 से 0 जा रहा है ठीक है अभी का हो जाएगा 0 से ठीक है लेकिन ड्यू टू सम ग्लिच इज नॉट एंड अप टू 1 वो 0 ही रहा ठीक है तो ये क्या हो गया 0 इनटू 1 0 ठीक है और 0 का यहां पर क्या हुआ इन्वर्जन 1 इसको 0 होना था अब ये क्या रह गया 1 ठीक है अब ये नहीं रहेगा 1.1 1 इसका इन्वर्जन क्या हो जाएगा 0 हो गया तो एक नॉट गेट के डिले के कारण बस एक नॉट गेट के डिले के कारण आपका आउटपुट चेंज होगा ठीक है ये अपन एंड और नॉट गेट के हिसाब से और ये नैंड गेट के हिसाब से ठीक है सो वी हैव टू रिमूव दिस हजार्ड ठीक है दोनों केस में दोनों स्टैटिक 1 हजार्ड है 1 आना चाहिए आउटपुट लेकिन मोमेंटली वो क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है ये 1 से 0 उस समय के लिए बहुत ही कम समय के लिए ठीक है चलिए अब इसको कैसे करते हैं उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा एक सर्किट डिजाइन करना है हजार फीट सर्किट तो सर्किट के लिए क्या चाहिए आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए आपको ठीक है देखिए
ये जो एक्सप्रेशन है ये भी हजार है, ठीक है, और हमको ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें हजार ना हो, ठीक है। पहले इसका केमर बना लेते हैं, इससे पहले आपने हमेशा के मैप से ये बनाना सीखा होगा, एक्सप्रेशन से कैसे के मैप में बनाते हैं। एक्सप्रेशन है आपके पास और आपको के मैप बनाना है कैसे करते हैं। देखो पहला टर्म x1 और x2, ठीक है, ये है x1, ठीक है, और ये आपका x2 x3 है, x2 x3 x2 x3 ठीक है। एसओपी के लिए ले रहे हैं क्योंकि एसओपी है ये। एसओपी में किसको आउटपुट हम वन मानते, किसको वन मानते हैं, हाँ सॉरी आउटपुट अपन वन को मानते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो जो एक्स वन है वो वन कहां पर है, एक्स वन की वैल्यू वन कहां पर है, ये वाला रो होगा, ठीक है ना, ये क्या है x1 बार है और ये जो x1 है यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, और हमको x2 कहाँ 1 है वो देखना है, और जहां ये दोनों वहां पर कॉमन आ रहे हैं वो वहां पर 1 बन, ऐसा बनाते, ठीक है। x2 कहाँ पर 1 आ रहा है, देखिए ये है x2 1 ये वाला रो और x2 1 ये वाला, ठीक है, और हमको कौन सा रो देखना है, ये वाला, तो यहां वन और यहां समझ में आया। पहला टर्म क्या है, x1 और x2 है, ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा वन को आउटपुट लेते हैं, ठीक। अब जो x1 है यहां वन ये चारों में वन हो सकता है, ठीक है, और ये जो x2 है देखो x2 यहां पर वन है और यहां पर वन है, बस x2 को देखो आप, ठीक है, x2 यहां जीरो है, यहां जीरो है, यहां वन है, यहां वन है, ये वन ये वन ये वन ये वन, ये दो कॉमन आ रहे हैं, बाकी को मत लो, जो कॉमन है जो इंटरसेक्टिंग है उनको बस आपको वन लेना, समझ आ गया। वैसे ही x2 और x3 का देखिए होता है, देखो x2 बार है मतलब वन का बार मतलब जीरो देखना है, x2 जीरो का होता है ये दो में, ठीक है, और x3 1 कब होता है यहां पर, देखो x2 बार मुझे 1 चाहिए मतलब 0 का बार है ना, ये 1 होगा ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, ठीक है, और x3 1 कब है, इस रो में 1 है, इस रो में वन है, ठीक है, ये कॉमन हो जाएंगे ये वन और ये वन, ये आपको क्या मिल जाएगा, अभी समझ नहीं आया मेरे को कैसे वन बन, ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ फिर मैं आऊंगा इस पे, कितने पेयर बन रहे हैं इसमें, दो बन, ठीक है, एक ये और ये, इनको करोगे तो आपको वही मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसको हजार फ्री बनाना है
ठीक है, ये के मैप है विद हजार, ठीक है, और इसको मुझे हजार की बनाना है, तो 1 1 1 1 1 1, ये एक है और एक ये, आपको एक ऐसा ग्रुप और लेना है जो रिडंडेंट है, जो फिर से आ रहा है वो ये ग्रुप है, ये ग्रुप ही और पत्नी, और कोई ग्रुप पॉसिबल है क्या वो चेक करना होगा। यहाँ पर दिख रहा है ये दो वन भी, इन्हीं को बोलते रिडंडेंट ग्रुप, ये हमेशा के मैप में अपन अवॉइड करते हैं, लेकिन यहाँ जबरदस्ती लेना है, इतने दिन जो मैं बोल रहा था अवॉइड करना है उसी को यहाँ पर लेना है, और सर्किट को यहाँ बढ़ाएंगे, कम करने जगह बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जबरदस्ती एक आपको यहाँ पे ही है रिडंडेंट, जो मानो बात हो रही है की बात हो रही थी, ये वही ग्रुप है, दिस इज अवर रिडंडेंट ग्रुप, जबरदस्ती हमको एक यहाँ पर ग्रुप बनाना होगा, ठीक है। सो दिस इज हजार्ड फ्री के मैप मिलेगा आपको। अब इसका आउटपुट लिखिए, तो दो तो वही है कि y is equal to, ठीक है, क्या x1 x2 plus x2 बार x3 plus इन दोनों में लेना पड़ेगा, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है, ये है x1 बार ये x1, ये दो बस चाहिए, ये हो जाएगा x2 x3, ये बार और यहाँ बार में, ठीक है, इन दोनों में x2 बार चेंज हो रहा है, x3 कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पर x1 कांस्टेंट है, x1 प्लस x3, दिस इज आवर रिडंडेंट और पेयर, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर हम उसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब आप इसका एक लॉजिक डायग्राम बनाइए, ड्रॉ कीजिए, तो एक एक्स्ट्रा गेट आपको जरूरत पड़ेगी, बना दो इसका गेट, और जो पुराना वाला था उससे कंपेयर कीजिए, ठीक है, और नॉर्मल गेट को जीरो करके देखो वैसी इसमें आया था कि नहीं उठे। सबसे पहले गेट बनाओ, एक एक्स्ट्रा एंड गेट की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना, डेलिबरेटली हम लोग क्या कर रहे हैं एंड गेट बना कर एंड कर रहे हैं, और उसके बाद उसे कैसे देखो सबको वन वन दो और एक बार नॉर्मल गेट को जीरो रहने दो, आउटपुट क्या चेंज हो रहा है या बीच आ रहा है क्या चेक करें। ये हमेशा से बंद करना है, ये रिस्पेक्टिव ऑफ हो, ठीक है, ये खर्चा बढ़ेगा यहाँ पे एंड गेट का, देखो एंड गेट लगा रहे हो और वो हमेशा वन वन रह रहा है, तो वो हमेशा आउटपुट, और ये और गेट है वन प्लस एनीथिंग गिव्स यू, तो देयर विल बी नो ग्लिच, so we deliberately added our AND gate to avoid this hazard, static one hazard, okay? अच्छा, ये बताना था मुझे, जिनको समझ में नहीं आया मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हमें हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन से मुझे क्या चाहिए, के मैप चाहिए, ठीक है, इससे पहले क्या करते थे, के मैप से एक्सप्रेशन लेके आते थे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा एक के मैप चाहिए जिसमें रिडंडेंसी हो, वहां पर रिपीटिव ग्रुप्स बन सके वहां पर, ठीक है, जो पहले से ग्रुप बना चुके हैं उससे कहते हैं रिडंडेंट, ठीक है। तो यहां पर देखो सबसे पहले है x1 और x2, ठीक है,
ये एसओपी में हमेशा क्या लेते हैं, जहां वन है उसको आउटपुट लेते हैं। तो हमको ये देखना है कि एक्स वन कब वन है और एक्स टू कब वन है, ठीक है। उन सेल को हमको क्या करना है, देखना है, ठीक है। अब देखो एक्स वन ये वन है, ये पूरा रो क्या रहेगा, वन रहेगा, ठीक है। ये एक्स ये है और यहाँ पर ये आपको वन मिलेगा, ये चार सेल, ठीक है। और तीसरा क्या है, x3, x3 की वैल्यू यहाँ जीरो है, x3 की वैल्यू यहाँ पर वन है, तो ये दोनों में कॉमन हो रहा है, तो इसलिए एक पेयर यहाँ इस तरीके से हम बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेयरिंग कर लिया हमने, पेयरिंग करने के बाद ये हो गया आपका जिसमें के मैप फंसा, इसमें क्या करना है आपको, ग्रुपिंग ऐसा करना है कि और कोई वन वहां पर बन सकता है क्या, और एक्स्ट्रा कोई ग्रुप बन सकता है, यहाँ पर दिख रहा है बाय ऑब्जर्वेशन ये दोनों वन का एक और ग्रुप बना सकते हो, तो हमने यहाँ पर एक ग्रुप बना दिया और इसका एक्सप्रेशन, नया एक्सप्रेशन बना दिया, व्हिच इज हजार्ड फ्री। सो दिस इज डिटेक्शन एंड दिस इज हजार्ड फ्री। ठीक, अब इसका हम बनाएंगे सर्किट डायग्राम एंड देन वी एनालाइज। सो वन एंड गेट इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, दिस इज एक्स वन एंड दिस इज एक्स टू, पहला वाला एक्स वन एक्स टू है सेम, फिर एक्स टू बार and x3 and one more gate is added, x3 and x1, or yeah, so this will be your new circuit, okay, new sequential circuit that is hazard free circuit. Now we analyze it, okay? So हमने क्या किया था, इसको वन किया, इसको वन किया, इसको वन किया था, ठीक है, सारे वन को किया था, ये वन वन है, आउटपुट वन मिलेगा, ये हो जाएगा जीरो इंटू वन, ये जीरो हो जाएगा, ये वन है, ये वन, आउटपुट आपको क्या मिलेगा, वन, ठीक है, वन प्लस जीरो प्लस वन गिव्स यू वन, ठीक है। अब फिर जीरो करके देखते हैं इसको, क्या कह रहे हमने x2 को जीरो कर दिया था, x2 को जीरो, ठीक है, जीरो से ये वन हो गया था, वन डॉट वन आपको मिलेगा, अब ये जीरो से वन हो जाएगा, ये जीरो है तो जीरो से वन से जीरो हो जाएगा, ये एज इट इज वन रहेगा, ठीक है, तो ये जीरो प्लस वन अगेन आपको वन मिलेगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या हो गई थी कि ये जीरो से जो वन हो रहा था यहाँ पर ये जीरो ही रह रहा था, तभी वो दिक्कत हो रही थी। अब वो फिर से अपन इस पर डाल देते हैं, इसको जीरो रहने देते हैं, तो जीरो डॉट वन क्या मिलेगा आपको, जीरो, ठीक है, ये जीरो ही रहा, ये भी जीरो रहा, इसलिए आउटपुट आपको क्या मिला, जीरो मिला था। लेकिन अब हमारे पास क्या है, एक एक्स्ट्रा सर्किट है, एक एक्स्ट्रा एंड गेट है जिसका वैल्यू एक्स टू और एक्स वन पर डिपेंड कर रहा है, नॉट एक्स टू पर, तो वो हमेशा वन ही रहेगा, ठीक है, ये वन मिलेगा और आउटपुट आपको वन ही रखेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिले कॉज्ड बाय इन्वर्टर सर्किट, वो जीरो हो वन हो से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर एक एंड गेट है, ये वन ही रहेगा, ये हमेशा आपको वन ही देगा आउटपुट, या जीरो होगा तो जीरो ही देगा आउटपुट, क्योंकि एंड गेट में जो भी जोड़ोगे एक रहेगा तो वो वही आउटपुट देगा वहां, ठीक है। इस तरीके से जो आपका हजार्ड है वो यहाँ पर क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। लेकिन आपका खर्चा क्या हो रहा है,
ये एंड गेट का एक खर्चा बढ़ेगा, बस थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन आपके वहां पर कोई हजार नहीं। ठीक है, मैं एक आपको के मैप देता हूं, आप मुझे बताइए इसमें हजारी कैसे करें। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि आपको एक यहाँ पर मैंने डायग्राम दे दिया, सब लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे, देखूंगा। ये ऐसा दिया हुआ, ठीक है, इट इज अ गेम है व्हिच कंसिस्ट 1000, ओके, एंड यू हैव टू मेक इट 1000 फ्री सर्किट। कैसे आपको ऑपरेशन करो, ठीक है, आईडी क्या होना चाहिए, ऐसे से बुक बनेगा, ठीक है, कोई भी अगर एक ग्रुप और ये जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, तो इतना ही दे दिया। अब क्या बचा है, ऐसा होगा और एक ग्रुपिंग ऐसा होगा कि आपके रिजल्टेंट ग्रुप्स होंगे, ठीक है, या पेयर्स।
तो इसके कारण आपको रिडंडेंट ग्रेड्स मिलेगा और वो सब, ठीक है। हाँ बना सकते, हाँ बस मैं अटेंडेंस दे दो।